सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं पैरासीटामोल, फिनाइलफ्राइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलेट ओरल ड्रॉप्स। चलिए इस ड्रॉप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप का रेट है 76.50। चलिए इस ड्रॉप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप में आपको पैरासीटामोल 125 mg, फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg तथा क्लोरफेनिरामाइन मैलेट 1 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप के ब्रांड नेम के बारे में। इस ड्रॉप का ब्रांड नेम है विकोरिल ओरल ड्रॉप्स। यह ड्रॉप्स एलेम्बिक फार्मा द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा सर्दी खांसी एलर्जी का ड्रॉप माना जाता है। यह ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के यूज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में सर्दी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। शरीर में खुजली या एलर्जी हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। बच्चे में दवा का रिएक्शन हुआ हो उसको ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग करते हैं। सर्दी जुखाम के कारण बुखार आता हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। आँख या नाक से पानी गिरता हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। बच्चे के कान में सनसनाहट हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। बुखार दर्द तथा एलर्जी से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप के डोज के बारे में। इस ड्रॉप को हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से देते हैं। इस ड्रॉप को हम अपने बच्चों में 10-15 mg प्रति केजी के हिसाब से देते हैं और बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह ड्रॉप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। घबराहट हो सकता है, चक्कर आने लगती है, कब्ज की समस्या हो सकती है, दस्त लगने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, उल्टी या मतली हो सकती है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस ड्रॉप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस ड्रॉप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, कम दिखाई देता हो,
गुर्दे की बीमारी हो तो इस ड्रॉप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।